एवरीवन वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स की सिविक्स का चैप्टर थर्ड, व्हाट इज गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या होती है, आपने देखा होगा कि कितनी बार गवर्नमेंट का जो है ना, बहुत बार सुना होगा आपने गवर्नमेंट शब्द, है ना। तो गवर्नमेंट जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है भाई, गवर्नमेंट होता क्या है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि व्हाट गवर्नमेंट इज, गवर्नमेंट होती क्या है, एंड द इंपॉर्टेंट रोल इट प्लेज। तो उसका जो रोल क्या प्ले करती है हमारी जो जिंदगी में गवर्नमेंट, ठीक है। व्हाट डू गवर्नमेंट डू, गवर्नमेंट करती क्या है, हाउ डू दे डिसाइड व्हाट टू डू, और वो कैसे डिसाइड करते हैं कि उन्हें करना क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। इतनी सारी टाइप्स की गवर्नमेंट होती है, जैसे कि मोनार्कीज हो गई, डेमोक्रेसीज हो गई, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो ये आपने लाइंस देखी होंगी, गवर्नमेंट्स ऑट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ अनऑर्गनाइज्ड वर्कर। अनऑर्गनाइज्ड वर्कर्स वो होते हैं जिनका ना, जिनके पास में जैसे कि जो ठेले वाले हो गए, है ना, जो टोकनी लेके बेचते हैं कुछ, कहीं बाहर बैठे हैं फुल्की वाले हो गए, तो ये अनऑर्गनाइज्ड वर्कर होते हैं। इनके पास में कोई प्रॉपर वो इंश्योरेंस नहीं होता है, ना ही जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, है ना, कि वो लोग जो हो गए तो उनके पास में प्रॉपर छुट्टी होती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हो गए, तो ये लोग ना ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स होते हैं, इनके पास में छुट्टियां होती हैं, दे कैन टेक लीव, है ना, पेड लीव ले सकते हैं वो लोग, छुट्टी भी मिलेगी और पैसे भी मिलते हैं, उनके कटते नहीं हैं। तो इस तरीके के जो होते हैं ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स होते हैं, और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स होते हैं कि उनको डेली कमाना और डेली खाना पड़ता है। अगर वो एक दिन भी काम नहीं करते तो उनकी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा इफेक्ट पहुँचता है ना, मतलब उनका कमाई नहीं होती उनकी। अनऑर्गनाइज वर्कर होगा जो डेली काम करते हैं ना, मजदूरी करते हैं वो भी, ठीक है। तो गवर्नमेंट है जो प्रोटेक्ट करा उन्होंने जो राइट्स को, किसकी, अनऑर्गनाइज वर्कर्स को। गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिए प्राइसेस, अनियंस के जो प्याज है उसके जो प्राइस है वो फिक्स कर दिए, कोई शॉर्टेज ना हो ताकि मार्केट में। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 5 और जज होंगे, ठीक है, तो ऐसा गवर्नमेंट ने बोला। डिटेल प्लान आया है ताकि फ्लड जो है उनको कंट्रोल कर सके, है ना, फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो उसको कंट्रोल कर सके। गवर्नमेंट फॉर रीबैम्पिंग द कोल एंड पावर सेक्टर, पावर सेक्टर और कोल से रिलेटेड भी फैसले सारे गवर्नमेंट लेती है ना। तो 15,000 विलेज जो है वो जो है स्कैरसिटी हिट हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा होगा न्यूज़पेपर की, उसमें कई सारी हेडलाइंस आती हैं ना, देखिएगा कि जैसे गवर्नमेंट ने ये कर दिया, गवर्नमेंट ने वो कर दिया, ठीक है। तो इन एक्टिविटीज़ को आप लिख सकते हैं ना। फिर एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन। हर कंट्री में एक गवर्नमेंट होती है जो कि ना डिसीजंस लेते हैं कि क्या होना है, कैसे होना है और किस तरीके से होना है और क्या करना है, ठीक है। तो गेट थिंग्स डन इसलिए वो करवाते भी हैं। दीज कैन बी डिसीजंस अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड्स, तो मतलब कि ये डिसीजन किससे रिलेटेड होते हैं कि कहाँ पर जो रोड बनवानी है, स्कूल्स खोलने हैं ना, और हाउ टू रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ अनियंस, जो भी खाने का सामान है उसके प्राइसेस कितने रखने हैं, है ना। व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव, जब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, महंगे हो जाता है जब खाना, तो क्या करते हैं वो इंक्रीज़ कर देते हैं सप्लाई जो, हाँ, तो जब एक्सपेंसिव हो जाता है ना तो वो अपने जो स्टोरेज से रिलीज़ करते हैं, एंड कितना जो फ्री करनी है इलेक्ट्रिसिटी, कितनी देना है, इंक्रीज़ करना है क्या सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है। गवर्नमेंट ऑल्सो टेक एक्शंस ऑन मेनी सोशल इशू, गवर्नमेंट जो है ना कई सारे एक्शंस लेती है सोशल इशूज़ में, सोशल इशूज़ जैसे कि कई सारे प्रॉब्लम्स जो प्रोग्राम्स लाती हैं पुअर्स के लिए, है ना। सोशल इशूज़ जैसे कि सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम हो गई, वुमेन से रिलेटेड जो वल्नरेबल सेक्शन है उनके लिए, ठीक है, जैसे कि पुअर हो गए, पुअर जो हो गए उनके लिए कई सारे प्रोग्राम लेकर के आते हैं, जैसे कि PDS है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फ्री में फूड प्रोवाइड करते हैं और सस्ते में फूड प्रोवाइड करते हैं ना, PDS जो है, ओके, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया। इट डज अदर थिंग सच एज रनिंग पोस्टल सर्विस, तो पोस्टल सर्विस होती है जो पोस्ट करते हैं ना यहाँ से वहाँ जो जाते हैं लेटर्स, रेलवे सर्विस, ये भी, ठीक है। गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ अ जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, गवर्नमेंट का ही काम है कि वो प्रोटेक्ट करते हैं बाउंड्रीज़ को जो हमारी कंट्री की है। अच्छा बताओ जो हमारी लैंड बॉर्डर है वो कितनी है और सी बॉर्डर कितनी है, तो अगर आप लैंड बॉर्डर की बात करते हो ना तो कितनी है, 15,200 किलोमीटर है, और अगर हमारी जो कोस्टल एरिया की जो बाउंड्री है इंक्लूडिंग अंडमान निकोबर एंड लक्षद्वीप 7,516 किलोमीटर है, ओके। तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ये सब, है ना। एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्री, और दूसरी कंट्रीज़ के साथ में हमारे अच्छे रिलेशन होने चाहिए, ये भी गवर्नमेंट लेकर के चलती हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री देखती है इसको। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजंस हैव इनफ टू ईट एंड हाउ हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज़, तो गवर्नमेंट का ही काम होता है कि वो इंश्योर करते हैं कि उनके जो सिटीजन्स हैं, जो उनके नागरिक हैं, उनके पास में खाना हो, ठीक है, वो अच्छे से खाना खाएँ एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटी, और उनको अच्छे से सर्विसेज मिले हेल्थ की। When there are natural disaster, जब कोई नेचुरल डिजास्टर होता है जैसे कि फ्लड आ गया, है ना, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, या फिर जैसे अर्थक्वेक आ गया, है ना, जैसे कि सुनामी है, अर्थक्वेक है, तो गवर्नमेंट का काम होता है कि वो ऑर्गनाइज करते हैं एड एंड असिस्टेंस, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वहाँ के लोगों को जो उससे अफेक्ट हो रहे हैं, जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा फ्लड आई है ना, तो उसकी वजह से जो लोग अफेक्टेड हैं उनको, जो लोग परेशान हुए हैं इसकी वजह से, जो जिनके ऊपर ना जिनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई है मतलब उसकी वजह से, नेचुरल डिजास्टर की वजह से, तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट, अगर डिस्प्यूट होता है दो लोगों का या फिर और भी लोगों का, हैज़ कमिटेड अ क्राइम, यू कैन फाइंड पीपल इन कोर्ट, तो वो कोर्ट में चले जाते हैं ना, तो कोर्ट्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, तो कोर्ट भी पार्ट है गवर्नमेंट का।
perhaps you are wondering how government managed to do all these things. तो आप सोचोगे इतना सारा काम कैसे करती है government, है ना, एंड why it is necessary for them to do so. और उनके लिए ज़रूरी क्या है भाई ऐसा काम करना, है ना. When human beings live and work together, जब बहुत सारे लोग साथ में रहते हैं काम करते हैं, there need to be some amount of organization so that a decision can be made. अब देखो आप तो जा नहीं सकते ना रोज़ government जो कर रहे हैं उसका decision लेने, आपका काम पढ़ाई करना है और बाकी सब भी अपना अपना काम करते हैं. तो एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है जो कि सारे के सारे डिसीजंस लेते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन होती है गवर्नमेंट, ठीक है. और यहाँ पर देखो आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पिक्चर दी गई है यहाँ पर, ठीक है. और ये सब एग्जांपल ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. तो ये एग्जांपल है इंस्टीट्यूशन की जो कि पार्ट है गवर्नमेंट के, जैसे कि इंडियन रेलवे हो गया, ये रेलवे, ये भारत पेट्रोलियम, ठीक है. यहाँ पर देखो अब सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन. कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं जो कि सभी लोगों के लिए अप्लाई होते हैं ना. फॉर एग्जाम्पल देर इज़ द नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड टू प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री सो पीपल कैन सेव. तो अपने रिसोर्सेज को मेंटेन करना, जो भी अपने पास जो भी रिसोर्सेज है ना, जैसे कि कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, कई सारी चीज़ें मिलती हैं ना नेचुरली हमारे नेचर के थ्रू जो हमको निकाली जाती है ना वो. एंड प्रोटेक्ट करना अपनी टेरिटरी को, अपने जो एरिया को अपनी कंट्री के, है ना, ताकि पीपल जो है सेफ एंड सिक्योर फील करें. गवर्नमेंट्स डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप. तो गवर्नमेंट करती है किसके बिहाफ में, किसके लिए करती है, ये सब पीपल के लिए करती है, अपन लोगों के लिए, है ना, बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप. तो लीडरशिप के थ्रू टेकिंग इन डिसीजंस एंड इंप्लीमेंटिंग दीज अमंग ऑल द पीपल लिविंग इन द टेरिटरी. डिसीजंस लेते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं उसको पूरे देश में, ठीक है. लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, अब कई लेवल के मतलब लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट में. अब गवर्नमेंट ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि एक पर्सन चला रहा है, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे पर्सन मिलकर के गवर्नमेंट होती है, ठीक है. तो नाउ दैट यू नो दैट गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, आपने देखा कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, कई सारे काम करना पड़ता है उनको. कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेजेस टू डू ऑल दीज थिंग्स? क्या आपके दिमाग में आया किस तरीके से ये करते हैं इतना सारा काम? द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल. गवर्नमेंट जो है काम करती है कई सारे लेवल में, जैसे कि फर्स्ट हो गया, फिर सेकेंड हो गया, तो मतलब ऐसे ना कई सारे लेवल्स होते हैं, जैसे कि एट लोकल लेवल, लोकल लेवल पर आप देखो, स्टेट लेवल देखो, नेशनल लेवल देखो. तो लोकल लेवल का मतलब हो गया जैसे कि आपका विलेज हो गया, टाउन हो गया, लोकेलिटी हो गई. तो यहाँ पर पंचायत और म्यूनसिपैलिटी होती हैं, पंचायत इन विलेजेस एंड म्यूनसिपैलिटीज इन द टाउन्स, है ना, जो सिटीज़ होती हैं उनमें. स्टेट लेवल पे आपने देखा होगा अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट है, है ना, और दैट विल कवर एंटायर स्टेट को कवर करती है, लाइक हरियाणा हो गया, आसाम हो गया, है ना, पंजाब हो गया, इस तरीके से. नेशनल लेवल पूरी कंट्री पर अप्लाई होता है, जो कि गवर्नमेंट नेशनल लेवल पर काम करती है ना. लेटर इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ लोकल गवर्नमेंट फंक्शंस. इसमें इसी बुक में हम दूसरे चैप्टर्स में देखेंगे कि गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करती है लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के बारे में. When you go into the new next few classes, जब आप और आगे जाएंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि गवर्नमेंट वर्क कैसे करती है स्टेट और सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, कैसे किस तरीके से वो काम करते हैं स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे. फर्स्ट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिनको नेशनल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट ये भी कहते हैं, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे होती है. फिर उसके बाद आती है स्टेट गवर्नमेंट, फिर उसके बाद में आती है लोकल गवर्नमेंट, ठीक है. तो ये होता है स्ट्रक्चर हमारे यहाँ का. तो ये देखो ये जैसे कि अलग अलग स्टेट्स हो गए, है ना, जैसे कि मध्य प्रदेश के अलग है, राजस्थान के अलग है, ये जो है ना अलग अलग स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट है. अब मध्य प्रदेश में ही बहुत सारी पंचायत होती हैं, राजस्थान में भी है, हर स्टेट में है अलग अलग पंचायत, ठीक है. तो उनके लिए जो है वो अलग काम करते हैं, है ना, मतलब कि वो जो है अपने एरिया में काम करते हैं, स्टेट अपने एरिया में करता है और नेशनल गवर्नमेंट पूरी कंट्री को कवर करती है, ओके, जो नॉर्थ से लेकर के साउथ तक और पूरा ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक, है ना, पूरा कवर करती है, ओके. तो ये मैप दिया गया है अपनी कंट्री का, ये वाली हम कह रहे थे आपसे कि ये जो बॉर्डर है ना 15,200 किलोमीटर है, है ना, और ये जो बॉर्डर है अपनी कोस्टल एरिया की जो बॉर्डर है ना वो कितनी है, इसमें 9 स्टेट आते हैं, ठीक है, कोस्टल एरियाज़ में. तो ये जो है ये कितनी है 7,516.6, ठीक है, तो ये किलोमीटर. अभी आगे का देखते हैं. ये देखो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन दिखाया गया है 2011 के, उसके अकॉर्डिंगली दिखाया गया है, ठीक है. तो ये हो गया. अभी आगे देखते हैं लॉज दैट एंड द गवर्नमेंट. तो लॉज और गवर्नमेंट के बारे में देखते हैं. गवर्नमेंट जो है वो लॉज बनाते हैं, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं ना लॉज, उनमें डिफरेंस होता है. लॉज जो होता है लीगल होता है, ठीक है, कि उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं फॉलो करोगे तो वो जो है एक ऑफेंस हो जाता है ना, तो उसके लिए पनिशमेंट मिलता है फिर. तो एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दिस. तो जो भी अपने देश में रहते हैं, ठीक है, तो उन सबको ये लॉज फॉलो करने पड़ेंगे. दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन. इसी के थ्रू जो है गवर्नमेंट काम करती है. जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, जैसे कि गवर्नमेंट के पास में पावर होता है डिसीजंस लेने का, सिमिलरली इट हैज़ पावर टू इन्फोर्स इट्स डिसीजन. मतलब कि उन्होंने डिसीजन तो ले दिया, अब उनके पास में पावर भी है कि वो उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करें सबके ऊपर, है ना, इन्फोर्स करें. फॉर एग्जाम्पल देर इज अ लॉ से दैट ऑल पर्सन ड्राइविंग मोटर व्हीकल मस्ट हैव अ लाइसेंस. जैसे कि लॉ है कि जो भी पर्सन जो है जो ड्राइविंग व्हीकल चलाते हैं, मतलब कि जो भी ना गाड़ी वगैरह चलाते हैं, तो उनके पास में लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है. तो ये जो है लॉ है, और लाइसेंस नहीं होता है फिर क्या होता है, बहुत सारा जुर्माना पे करना पड़ता है और पनिशमेंट भी मिलती है फिर, है ना. तो ये कंपलसरी है. एनी पर्सन कॉट ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस कैन आइदर बी जेल्ड. तो कोई भी पर्सन जिनके पास में लाइसेंस नहीं है और वो गाड़ी चलाते हैं, तो उनको जेल हो जाती है या फिर फाइन लगता है बहुत सारा, है ना.
विदाउट दीज लॉज दैट द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन इज नॉट ऑफ मच यूज. इन लॉज के बिना गवर्नमेंट के पास में पावर ही क्या बचेगी, है ना, अगर वो इन्फोर्स ही ना कर पाए इनको. ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास में दोनों पावर होती है, लॉ बनाने की और लॉ इन्फोर्स करने की. ओके, तो यहाँ पर थिंक ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ अनदर लॉ, तो आप दूसरे लॉ का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, है ना. जैसे कि आप सोचो ना कितने सारे एग्जाम्पल्स होते हैं. वॉट डू थिंक इट इज़ अ इंपॉर्टेंट दैट पीपल अबाइड बाय, जैसे कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, ठीक है, अब जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज एक्ट है, ठीक है, तो वो है उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं. नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, ठीक है, उसके खिलाफ उसके देखते हैं. और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट भी है कि कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज़ ना करे, कोई टेररिस्ट अगर वगैरह होता है ना उसको फिर दबोच लेती है गवर्नमेंट, पकड़ के अलग कर देती है ना, तो ऐसा होता है. इन एडिशन टू एनी एक्शंस दैट गवर्नमेंट कैन टेक, तो कई सारे एक्शंस जो है और भी है जैसे कि गवर्नमेंट लेती हैं, देयर आर ऑल्सो स्टेप्स दैट पीपल कैन टेक इफ दे फील दैट अ पर्टिकुलर लॉ इज़ नॉट बीइंग फॉलोड. अगर पीपल जो लोग हैं हमारे यहाँ, उनको लग रहा है कि ये जो लॉ है इसको फॉलो नहीं करना चाहिए, है ना. इफ़ अ पर्सन फील्स फॉर एग्जाम्पल दैट दे आर नॉट हायर्ड फॉर अ जॉब बिकॉज ऑफ द रिलीजन और कास्ट, ठीक है, अगर कोई लॉ होता है जिसकी वजह से लोगों को लगता है इसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो पर्सन क्या कर सकते हैं. पर्सन जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, अगर किसी को लगता है कि वो जो जॉब जो है उसमें उसको जो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है किस बेसिस पे, क्योंकि उसका रिलीजन और कास्ट की वजह से, ही और मी शी कैन अप्रोच द कोर्ट, तो वो कोर्ट में जा सकते हैं एंड वो क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जाकर के क्लेम कर सकते हैं कि लॉ जो है उसका फॉलो नहीं किया जा रहा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा किया है ना कि वो लॉ नहीं फॉलो कर रही है, तो उसके खिलाफ फिर एक्शन लिए जाते हैं. द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर्स विद व्हाट शुड बी डन, फिर कोर्ट जो है वो आ जाते हैं पिक्चर में, है ना, और फिर कोर्ट ऑर्डर करते हैं भाई क्या करना है. टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजंस एंड इन्फोर्स लॉ. गवर्नमेंट को पावर कहाँ से मिलती है कि जो इन्फोर्स करना है लॉज को, डिसीजंस लेना है. द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन अ कंट्री, तो ये आंसर डिपेंड करता है किस तरीके की गवर्नमेंट है आपकी कंट्री में, है ना. इन अ डेमोक्रेसी, अगर डेमोक्रेसी की आप बात करते हैं, ये रूल ऑफ द पीपल होता है, हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर, तो डेमोक्रेसी में कौन देता है गवर्नमेंट, जो पीपल देते हैं जो पावर गवर्नमेंट को. गवर्नमेंट को पावर मिलती है पीपल से, लोगों से पावर मिलती है जो इलेक्ट करते हैं उनको. दे डू दिस थ्रू इलेक्शन इन विच दे वोट फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन इलेक्ट देम, तो क्या करते हैं इलेक्शन होते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो जाकर के पार्लियामेंट में बैठ करके लॉ बनाता है ना, तब वो इलेक्ट हो जाता है तो वो फॉर्म करता है गवर्नमेंट. ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शंस एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल. अगर गवर्नमेंट कोई गलत डिसीजन लेती है तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, भाई आपने ये डिसीजन क्यों लिया. नहीं तो अपोजिशन जो है वो भी रहती है, कई सारी पार्टीज वो रहती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रहता है, प्रोटेस्ट होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा हंगामा हो जाता है ना, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को अपने डिसीजन जो है वापस भी लेने पड़ते हैं ना, जब लोगों को पसंद नहीं आता. जैसे कि फार्म्स एक्ट आए थे तो बहुत सारे किसान जो थे प्रोटेस्ट करने लगे थे कि उनको वो लॉ नहीं पसंद था, तो गवर्नमेंट को वो लॉ वापस लेना पड़ा था. ठीक है, तो लोगों के चलते हैं यहाँ पर जनतंत्र होता है ना, मतलब कि जो पीपल है ना उन्हीं का रूल होता है डेमोक्रेसी में. ओके, इन अ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट हैज़, हाँ ठीक है, एक्सप्लेन करना पड़ता है. अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक और फॉर्म होती है गवर्नमेंट की, मोनार्की. मोनार्की मतलब कि जो मोनार्क होता है, किंग और क्वीन होते हैं, राजा रानी होते हैं, हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस अंडर द गवर्नमेंट. तो इसमें पावर होती है किनके पास में, जो मोनार्क है, जो किंग है या फिर क्वीन है, उनके पास में पावर होती है डिसीजंस लेने की और गवर्नमेंट चलाने की. मोनार्क में है वह स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, तो मोनार्क के अंडर आता है, मोनार्क हेड होता है. जैसे कि ब्रिटेन में आप देखो तो वहाँ पर अभी भी मोनार्क होता है, वहाँ पर अभी भी राजा होता है, तो उनके ना एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर होते हैं, उनको डिसीजंस लेना पड़ता है. ठीक है, मतलब कि मोनार्क है एक आदमी या फिर रानी वगैरह जो भी है, ठीक है, तो उन वो डिसीजंस लेंगे, पर उनका एक ग्रुप भी होता है छोटा सा उनको सजेस्ट करने के लिए, है ना, तो वो जो स्मॉल ग्रुप के साथ में वो लेते हैं डिसीजंस लेते हैं, पर इनका फाइनल डिसीजन इनका होता है. ठीक है, मोनार्क का, राजा का या फिर रानी का. ठीक है, अनलाइक इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में जैसे कि एक्सप्लेन करना पड़ता है भाई उनके एक्शन को, किन्ने सही किया कि नहीं, है ना, पीपल का रूल होता है क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी उल्टा पुल्टा डिसीजंस नहीं ले सकती, तो अगर डेमोक्रेसी में ऐसा होता है. पर किंग और क्वीन का जो राज होता है ना, वहाँ पर उनको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता अपने एक्शन को, उनने कर दिया तो कर दिया. ठीक है, पीपल के पास में राइट ही नहीं होता है, ये देखो ये राजा बने हुए हैं यहाँ पर. ओके, फिर डिस्कस, डू यू थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल टू बी इन्वॉल्व इन द डिसीजंस दैट अफेक्ट देम, गिव टू रीजन फॉर योर आंसर्स. ओके, तो ये क्वेश्चन आंसर्स. ओके ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं इनको. तो क्या ये इंपॉर्टेंट है कि लोगों को इन्वॉल्व होना चाहिए, होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि यही तो पॉलिटिकल प्रोसेस है. जब आप अपने अधिकारों को नहीं समझेंगे, आप अपने डिसीजंस जो आपके ऊपर थोप दिए जाएंगे और आप उसको मान लेंगे, तो ये सही थोड़ी है. ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए जो भी अफेक्ट करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल आप देखो तो वुमेन्स हैं, उनको कोई डिसीजन अफेक्ट करता है गवर्नमेंट का, तो वो प्रोटेस्ट करती हैं, उसके खिलाफ बोलती हैं, उनके लिए डिसीजन के लिए वो भी चाहती हैं. ठीक है, तो ये होता है ना, जैसे कि कोई भी सेक्शन है सोसाइटी का, है ना, तो ये हो गया. विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट विल यू प्रेफर टू हैव, तो आप किस तरीके की गवर्नमेंट चाहेंगे, क्या राजा रानी वाली या फिर डेमोक्रेसी. आप डेमोक्रेसी में रहते हैं, है ना, भारत एक डेमोक्रेसी है ना, इंडिया, तो आप इसी में रहेंगे. तो मतलब ये वाली ज़्यादा अच्छी है अपनी, बेटर है कि बोलने की आज़ादी, जो करना चाहो कर लो, वरना दूसरे देश में ना इतनी आज़ादी नहीं होती. चाइना में अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बोल देता है ना, उसको उठा लेते हैं, बंद कर देते हैं, फिर पता नहीं चलता वो इंसान कहाँ गया. इस तरीके की हरकतें होती है बाहर. आप बहुत खुश नसीब हो कि भारत में रहते हो. ठीक है, तो यहाँ पर तो सभी को आज़ादी है. ओके, फिर उसके बाद में व्हाट इज़ द स्टेटमेंट बिलो इज़ करेक्ट, दो सेंटेंस के, इन सेंटेंस के बारे में देखना है. ठीक है,
इन अ मोनार्की कंट्रीज सिटीजन्स आर अलाउड टू इलेक्ट, नहीं मोनार्की में थोड़ी होता है कि लोगों को पावर होती है कि वो अपने इलेक्ट कर सकते हैं जिसको भी। मोनार्की में तो एक राजा होता है या फिर रानी होती है, ठीक है, उसके हिसाब से चलता है सब कुछ। तो ये हो गई रॉन्ग। ओके, इन अ डेमोक्रेसी अ किंग हैज़ एब्सोल्यूट पावर टू रूल। तो हाँ एब्सोल्यूट पावर होती है, बिल्कुल नहीं नहीं डेमोक्रेसी में नहीं होती, मोनार्की में होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट्स को उल्टा कर दिया गया है, ठीक है। ये मोनार्की की है, डेमोक्रेसी की है। डेमोक्रेसी में होता है कि आप इलेक्ट कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, वो आपके लिए गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, फिर डिसीजंस लेते हैं ना। पर जो मोनार्की में होता है ना, वहाँ पर एब्सोल्यूट पावर होती है किंग की, वो सारे डिसीजंस लेता है, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल। ओके, इन अ डेमोक्रेसी पीपल कैन रेज क्वेश्चंस अबाउट डिसीजंस द मोनार्क टेक्स, मोनार्की तो मोनार्की में ना क्वेश्चन नहीं पूछ सकते आप गवर्नमेंट से, ठीक है, कि उन्होंने कैसे डिसीजन लिए ये वो वगैरह वगैरह, है ना, फलेना ढिकामा, तो वो सब है ना जो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते वैसे मोनार्की में, है ना। ये सब जो है डेमोक्रेसी में अलाउ होता है। ओके, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में देखते हैं आप, ठीक है। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, इंडिया इज अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, तो इंडिया डेमोक्रेसी है। दिस अचीवमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। ये जो अचीवमेंट है बहुत लॉन्ग स्ट्रगल किया है, ठीक है। पहले तो 200 साल तक जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर रूल किया, ठीक है, गुलाम बनाया, फिर उसके बाद में हमारी कंट्री आज़ाद हुई है ना, फिर डेमोक्रेसी आई हमारे यहाँ, और तब से देखो हमारे यहाँ अच्छे से सब कुछ चल रहा है ना। थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं पर बेटर देन अदर्स। ओके, जैसे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का नाम तो कुछ था नहीं, अब वहाँ पर फिर मिलिट्री रूल आता गया, वहाँ पर सबकी मतलब ज़िंदगी ख़राब होती गई है ना, वहाँ के लोगों को ना शिक्षा मिलती है ना अच्छा मतलब कुछ भी काम वगैरह करना मिलता है। ओके, तो ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं वहाँ, जैसे जैसे गवर्नमेंट होती है ना उस तरीके से फिर पूरा जो सिस्टम चलता है वहाँ पर। अगर गवर्नमेंट ख़राब है तो समझ लो फिर लोगों का भी ख़राब ही होना है, सब कुछ पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही ख़राब है तो इकोनॉमिक सिस्टम भी ख़राब हो जाता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी गई काम से, है ना। दिस अचीवमेंट इज़ अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था हमारे इंडियन पीपल जो थे लोगों ने, फिर उसके बाद में हमें डेमोक्रेसी मिली। देयर आर अदर प्लेसेज इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसीज। तो और भी प्लेसेज इन्होंने डेमोक्रेसीज के लिए स्ट्रगल किया, जैसे कि अफ्रीका में भी कई सारे देश हैं, साउथ ईस्ट एशियन देश हैं ना, तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल किया, फिर उनको डेमोक्रेसी मिली। यू नो दैट मेन फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स। तो डेमोक्रेसी का मेन फीचर क्या है कि पीपल के पास में पावर है कि वो अपने लीडर्स को इलेक्ट कर सकते हैं। सो इन अ सेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज द रूल बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी में क्या है, रूल है पीपल का, ठीक है, मतलब कि लोगों का जो शासन होता है। द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन मेकिंग ऑफ रूल्स। तो मतलब पीपल ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर रूल्स बनाने में, है ना। तो देखो डेमोक्रेसी में भी डायरेक्ट होती है डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट होती है। हमारा देश बहुत बड़ा है और हमारे देश में पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारे यहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है, हमारे यहाँ इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट रूल है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट में क्या होता है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, वो जाकर के गवर्नमेंट बना करके वो हमारे लिए रूल्स बनाते हैं। ओके, और डायरेक्ट जैसे कि स्विट्जरलैंड हो गया, तो वहाँ पर कम पॉपुलेशन रहती है, तो वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी चल जाती है कि हर चीज़ में लोगों से वोटिंग करवा लिया कि ये डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ओके, फिर उसके बाद में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आर टाइम्स आर यूजुअली रिफर्ड टू एज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जो अगर अभी हम बात कर रहे हैं तो हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज में रह रहे हैं। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, अभी हमने आपको बताया ना, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ये इनडायरेक्ट है, जिसमें क्या होता है पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली, हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, पर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं इलेक्शन के थ्रू, थ्रू एन इलेक्शन, इलेक्शन के थ्रू हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, ठीक है। दीज रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, मिलते हैं और डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, एंटायर पॉपुलेशन के लिए। दीज डेज अ गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इट्स डेमोक्रेटिक अनलेस इट अलाउज व्हाट इज नोन एज अ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अगर किसी कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं है, मतलब सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है, तो मतलब कि अडल्ट, सारे अडल्ट को वोट देने का अधिकार नहीं है, और तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। जहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। हमारे यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है, ठीक है, किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, तो हमारी डेमोक्रेसी है। ओके, बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। तो हर टाइम ऐसा नहीं होता है। कैन यू बिलीव देयर इज अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। पता है आपको, एक टाइम ऐसा भी था जब गवर्नमेंट ना, जब मतलब वर्ल्ड में भी आप देखो तो हर कंट्री में ऐसा हुआ करता था कि गरीब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, ना ही वुमेन्स को अधिकार था वोट देने का। इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, शुरू शुरू में जब गवर्नमेंट बनाई गई थी, तो वहाँ पर ना ओनली मैन हु ओन्ड प्रॉपर्टी, जो अमीर आदमी थे उनको था वोट देने का अधिकार, जो पढ़े लिखे थे उनको वोट देने का अधिकार था। दिस मीन वुमेन हो गई, पुअर हो गए और जिनके पास में प्रॉपर्टी नहीं थी और जो अनएजुकेटेड थे, ठीक है, जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको अलाउड नहीं था वोट देना। द कंट्री वॉज गवर्न बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट फ्यू मैन मेड। तो कंट्री उसी से चलती थी जो कुछ लोग जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया करते थे उसी से चला करती थी। इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, हमारे यहाँ आज़ादी से पहले जितने भी लीडर्स थे ना, ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वॉज अलाउड टू वोट एंड दे देयर फोर केम टुगेदर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द मेजॉरिटी। मतलब कि ना इंडिपेंडेंस से पहले जब अंग्रेज थे ना, उन्हें थोड़ी सी जो राइट दिया हुआ था वोटिंग का, ऐसे ही कि जो अमीर लोग हैं, जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, उनको बस दिया गया था राइट वोटिंग का, ठीक है। तो ये मेजॉरिटी जो थी उसके बेसिस पर डिसीजन होता था, है ना, मतलब कि जो थोड़ा सा ग्रुप था उनके बेसिस, वही जो है
वो बस पार्टिसिपेट करते थे. सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी वर शॉक्ड एट द अनफेयरनेस ऑफ द प्रैक्टिस. तो कई सारे लोग थे जैसे कि गांधी जी थे और हमारे और भी लीडर्स थे, तो वो लोग ना शॉक हो गए थे ना, जो इतनी ख़राब प्रैक्टिस थी कि मतलब कि आप वोट देने का अधिकार नहीं है, सभी लोगों को होना चाहिए वोट देने का अधिकार. तो इन्होंने डिमांड किया था कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार हो. दिस इज़ नोन एज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. तो इसी को कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. अब आपसे पूछेंगे ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, तो राइट टू वोट टू ऑल एडल्ट मेंबर्स है ना, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए जितने भी बड़े लोग हैं ना. राइटिंग इन जनरल, तो जनरल जो यंग इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, यंग इंडिया जो जनरल था ना, तो इनकी सबकी ना पहले ना लीडर्स अपने लोगों से बात कैसे करते थे, अपने न्यूज़पेपर के थ्रू, अपनी मैगजीन के थ्रू अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाते थे. तो ऐसे ही गांधी जी का था एक जनरल जिसको यंग इंडिया कहते थे. इसमें गांधी जी ने लिखा था 1931 में, गांधी जी सेड, आई सेड आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज़ गॉट अ वेल्थ शुड हैव द वोट, बट दैट अ मैन हु हैज़ गॉट कैरेक्टर बट नो वेल्दी वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट, और दैट मैन हु वर्क्स ऑनेस्टली बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो डे इन एंड डे. तो मतलब जैसे कि देखो, आई कैन नॉट पॉसिबली बी अदर, तो एक ये इनको अच्छा नहीं लगा था ये आइडिया कि जो भी हैं, जो जिनके पास में वेल्थ है, जिनके पास में पैसा है, उनके पास में वोट है, ठीक है, जिनके पास में भी अमीर हैं जो, बट जो मैन है जो जिसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है पर उसके पास में वेल्थ नहीं है या फिर वो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, तो उसके पास में वोट देने का अधिकार नहीं है, या फिर कोई मैन है, यहाँ पर मैन मैन की बात कर रहे तो मैन है जिसकी जो ना ऑनेस्ट है बहुत ज़्यादा, मतलब कि सत्यवान है, ठीक है, और रोज़ रोज़ काम करता है दिन में अपना पसीना बहा बहा के, है ना, उसको वोट देने का अधिकार नहीं है. Should not have the vote for the crime of being poor because of poor. तो poor होना मतलब crime है क्या, इसलिए वोट देने का अधिकार नहीं है, ठीक है. तो ये तो chapter हो गया complete. अभी यहाँ पर एक box बचा हुआ था, इसको और देखते हैं. Votes for women, women के लिए votes. Nowhere in the world have government willingly shared power. तो कोई भी government नहीं थी जो अपना ना power को share करना चाहती है. वोट देने का अधिकार था ही नहीं women's को. All over Europe, Europe की अगर आप बात करते हैं, US की बात करते हैं, वेस्टर्न सोसाइटीज़ अपने आप को बहुत लिबरल बहुत अच्छा बताती है ना, तो यहाँ पर women हो गई, poor हो गई, इनको इनके यहाँ डेमोक्रेसी आ गई थी, पर इन्होंने वोट देने का अधिकार नहीं दिया सभी को. जैसे women हो गए है ना, और जो poor हो गए, गरीब हो गए, जो illiterate थे उनको हैव हैड टू फाइट फॉर पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट. तो वुमेन हो गई, पुअर हो गई, इनको फाइट करना पड़ा कि भाई हमारा भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए गवर्नमेंट में, ठीक है. वुमेन्स स्ट्रगल टू वोट स्ट्रेंथन गॉट स्ट्रेंथन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 से 1919 तक. तो इस टाइम पर जो वुमेन का स्ट्रगल जो था राइट टू वोट का, वो और ज़्यादा बढ़ गया. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द वुमेन सफरेज मूवमेंट. इसी को कहते हैं वुमेन सफरेज मूवमेंट कहते हैं. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वुमेन का स्ट्रगल जो था और ज़्यादा बढ़ गया था, और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया था, ठीक है, मजबूत हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, ठीक है. तो फिर ना सफरेज मतलब कि राइट टू वोट होता है, ओके. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी देखा गया था कि बहुत सारे लोग आदमियों की डेथ हो गई थी. उस टाइम पर वुमेन जो थी ना पहले घर में ही रह करके काम किया करती थी. फिर क्या हुआ, ये जो वुमेन्स जो थी, अब आदमियों की तो डेथ हो गई, वो लोग चले गए वॉर में लड़ने, अब घर में क्या कौन काम, मतलब बाहर कौन काम करेगा. तो बहुत सारी जो औरतें थी बाहर काम करने लगी, तब उन्हें रियलाइज़ किया हमको बंद करके क्यों रखा गया है ना, हम तो सब कुछ कर सकते हैं. उनको भी राइट होना चाहिए वोट करने का, उनको भी पार्टिसिपेट करने का गवर्नमेंट में. ड्यूरिंग द वॉर मैनी मैन वर अवे फाइटिंग, ठीक है, यही लिखा हुआ है कि वॉर के टाइम पर बहुत सारे जो आदमी थे वो लड़ने चले गए थे. बिकॉज ऑफ दिस वुमेन वर कॉल्ड अपॉन टू डू वर्क दैट वॉज अर्लियर कंसिडर्ड मैन वर्क, मैंस वर्क. तो पहले क्या होता था कि जो फैक्ट्री में काम करना है ना, ये मैन का काम है, ठीक है, ये करना है ना, जो मैन का काम है, ऐसी ऐसी बातें थी उनके यहाँ भी वेस्टर्न सोसाइटीज़ में, ओके, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं वहाँ पर. तो जब वॉर के टाइम पर बहुत सारे आदमी जो थे लड़ने पहुँच गए जंग, है ना, तब हो गई वो बहुत ज़्यादा लेबर की डिमांड, है ना. तो उसमें क्या हुआ, तो मैनी वुमेन बिगिन ऑर्गेनाइजिंग. तो कई सारी जो वुमेन्स थी उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया एंड मैनेज किया डिफरेंट टाइम्स ऑफ वर्क. तो मतलब कि बहुत सारा उन्होंने सब कुछ मैनेज कर लिया था, पूरी चीज़ें, है ना, क्योंकि जो आदमी थे वो सब तो वॉर में लड़ने चले गए थे. व्हेन पीपल सॉ दिस दे बिगिन टू वंडर व्हाई दे हैड क्रिएटेड सो अनफेयर स्टीरियोटाइप अबाउट वुमेन एंड व्हाट दे वर कैपेबल ऑफ डूइंग. मतलब कि अब जब इन लोगों ने ये देखा तो मतलब इतनी सारी स्टीरियोटाइप क्यों क्रिएट की करके रखी है कि लोग ये नहीं कर सकती, वुमेन ये नहीं कर सकती, यहाँ पर तो सब कुछ कर सकती हैं ना. स्टीरियोटाइप क्या हुआ, फ्रेमवर्क कर दिया था, आपने पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में, है ना, जो सेकेंड चैप्टर में, है ना. तो जो ये सारी चीज़ें तो ऐसी क्यों क्रिएट की गई हैं, यहाँ पर तो सब कुछ कर सकती हैं वुमेन्स. सो वुमेन बिगिन टू सी इन एस अ बीइंग इक्वल कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजंस. तो वुमेन को अपनी रियलाइज़ किया अपने जो अधिकारों का, उनको समझ में आया कि हम तो इक्वल हैं ना, हमको क्यों दबाया जाता है इतना, है ना, हम भी डिसीजंस ले सकते हैं, हम चला सकते हैं सब कुछ, ओके. यहाँ पर इक्वालिटी होनी चाहिए, इनइक्वालिटी क्यों है. द सफरेजेस डिमांडेड द राइट टू वोट. तो फिर डिमांड हुई राइट टू वोट की फॉर ऑल वुमेन एंड टू गेट देयर डिमांड्स हर्ड दे चेंज themselves टू रेली. उन्होंने रेलिंग वगैरह निकाली पब्लिक प्लेसेस में, है ना, तो उन्होंने अपनी डिमांड किया राइट टू वोट का. मैनी जो सफरेजेट्स थे मतलब कि जो वुमेन थी उनको जेल में जाना पड़ा इसकी वजह से. उन्होंने फिर हंगर स्ट्राइक भी की, ठीक है, भूख हड़ताल की. दे हैड टू बी फेड बाई फोर्स. अमेरिकन वुमेन गॉट राइट टू वोट. मतलब अमेरिका में सबसे पुरानी डेमोक्रेसी कहते हैं इसको, है ना, पर इसमें वुमेन को अधिकार मिला वोट देने का 1920 में. मतलब इतनी देर बाद, मतलब इतने टाइम बाद उनको वोट देने का अधिकार मिला. वेल वुमेन की बात करते हैं, उनको वोट देने का अधिकार मिला 1928 में यूके में, ठीक है, यूके में 1928 में मिला,
और जो अमेरिका है वहाँ पर 1920 में मिला। तो इतनी पुरानी पुरानी डेमोक्रेसीज, वहाँ पर इतना देर से अधिकार मिला लोगों को वोट देने का, है ना, जो विमेन है उनको वोट देने का। हमारे यहाँ जैसे ही इंडिपेंडेंट हुई थी ना हमारा नेशन, तो गवर्नमेंट ने तुरंत सभी को पहले ही बोल दिया था जो हमारे लीडर्स थे कि हम जब हम अपने देश को चलाएंगे तो यहाँ पर सभी को वोट देने का अधिकार होगा, ठीक है, कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होगी और सभी लोग इक्वल कहलाएंगे। ओके, अब चैप्टर हो गया है कम्प्लीट। आपको कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।